तीन माह बाद दोबारा वजीर आजम का हलफ उठाने वाले, फिर और क्राउड देखते थे, कहते थे एक माह बाद, फिर यकदम किसी ने इधर गया तो फैसल इधर भी बहुत लोग हैं, फिर साथ ही फैसल ने मेरा कहा दुआ कर रहा था फैसल ये ना कह दे कि यहाँ से सीधा ईवान सदर जाके हलफ उठाएंगे। इसी की वजह से वो टीवी पे हमें उड़ा दिया उन्होंने, इसी की वजह से बैन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहता था वजीर आजम बनने लगे वो टीवी पे से उतार देते थे, क्राउड देख के मुद्दत कम करता जाता। लेकिन ये ईमान है इंशाल्लाह कि अब से चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, बाद में डिस्कस करेंगे। जुनेद ने कहा था कि एक और बंद है जो जो मैं जवाब चाहता हूँ वो उसके ऊपर, उस दूसरे बंद के ऊपर। अब हमें खदशा ये है कि अब ये वाली हमारी ट्रांसमिशन जो हम सैलाब जदगान के लिए कर रहे हैं वो एक बार फिर ना बंद कर दीजिए, फिर केबल पे ना उड़ा दीजिए, ये केबल पे ना उड़ा दीजिए। अभी हम चेक भी करते हैं क्योंकि इस अगर इस ट्रांसमिशन को कोई चैनल नहीं दिखा रहा तो वो ज्यादती कर रहा है उन सैलाब जदगान के साथ, सीधी सीधी, क्योंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हम लोगों के पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फंड इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल नहीं है क्योंकि मैं वो जो दूसरी बंद की बात कर रहा है ना जुनेद, उसकी मैं नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ सैलाब वाले बंद की बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जलाल बात कर रहा हूँ खान साहब पिशावर से। जी जलाल, वालेकुम सलाम। मैं अपनी तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से 10 लाख रुपए डोनेट करना का ऐलान करता हूँ। साथ में एक बात बताना चाहता हूँ खान साहब कि ये जो हमारे क्राइम मिनिस्टर है, क्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो पैर हाथ जोड़कर लोगों से भीख मांग रहे, वो मोबाइल हम जब कॉल करते हैं एक दूसरे को तो उसमें बोलते हैं कि 10 रुपए वजीर आजम वो फंड में जमा करवा दो। ये इतना बेशरम आदमी कि लोग इसको 10 रुपए पर इत्मीनान नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक पाकिस्तान की नहीं पूरी अक्वामे मुत्तहिदा का अजीम लीडर हो, आप पर लोग के ट्रस्ट है, एतमाद है, दिल से लोग आपको पैसे देते हैं। तो खान साहब मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से आपको 10 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूँ। मैं एक चीज जरूर आज कहूंगा कि एक मुल्क में 3 करोड़ लोग मुतासर हैं, 30 करोड़ लोग, 33 मिलियन, 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग मुतासर हैं इस वक्त। कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? और यूनाइटेड नेशंस में हमारा जब कोरोना था तो मैं तो ये जो यूएन असेंबली में मैं तो यहाँ से वर्चुअल करता था, अब तो जूम पे कर सकते हो। मुल्क में इतना बड़ा मसला आया हुआ तो कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, माशी हालात बुरे हैं, सैलाब आया हुआ है सिंध के अंदर, खास तौर पे जो लोगों के हालात हैं इस वक्त सिंध के अंदर, जिस तरह लोग सड़कों के ऊपर बेचारे धूप के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? और साथ वो फॉरेन मिनिस्टर को भी ले गया जिसकी सिंध खास जिम्मेदारी है, 14 साल से वो पीपल्स पार्टी पावर में, जो वहां हालात हो कभी भी ये बेहिसी की इंतहा है कि मुल्क का सरबराह मुल्क से बाहर चला जाए, पता नहीं कौन सी चीज फतह करनी है न्यूयॉर्क जाके और लंदन जाके, सुना क्वीन के भी वो जनाजे पे जा रहा है, तो वो पता नहीं कौन सी इतनी जरूरत पड़ गई है। जब मुल्क के ऐसे हालात हो कभी मुल्क का सरबराह मुल्क से बाहर नहीं जाता,